सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 मई रविवार आपके राशिफल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 30 मई 2021 दिन रविवार का रहेगा और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 2:12 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 4:41 तक चलेगा और इसके आगे श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो शुक्ल नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 8:30 तक चलेगा और इसके उपरांत ब्रह्म नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए, अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय होगा ठीक सुबह के 5:45 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:03 पर और चंद्र उदय का समय रात्रि के 11:21 पर और चंद्रास्त का समय ठीक सुबह के 10:25 पर होगा। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:24 से लेकर ठीक शाम के 7:04 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकता है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य कहती हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक राशिफल। जी हाँ, हम आपके दैनिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं। मिथुन राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले बता दें, आज आपका लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 2 रहेगा। जी हाँ, 2। और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे आज आपके कह रहे हैं कि खुशी से भरा अच्छा दिन है और आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकती हैं और यह समय लोगों को दिए हुए पुराने कर्ज वापस मिल सकता है या फिर किसी नई योजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपको दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज़्यादा छूट देना आपके लिए
समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक ख्याल रखें और उन्हें ज़्यादा छूट न दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेगी और लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो उन्हें आज कर ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, और आप जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। हम आपको बताना चाहेंगे, रोमानी नज़रिए से वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छा है। आपकी गलत आदतें आज आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए आज के दिन थोड़ा संभल कर रहें और आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ न कहें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा और आप नुकसान से भी बच पाएंगे। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है, माता से संबंध अच्छे रखें, वह उनका भूल कर भी निरादर न करें, इससे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहे। अगर आप इन सभी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान सूर्य महाराज की सीधा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दें, ताकि भगवान सूर्य महाराज की कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।